हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में एलएस कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एलएस कमांड का क्या यूज़ है। तो एलएस कमांड इज़ ए लाइनेक्स शेल कमांड। एलएस कमांड जो है ये एक लाइनेक्स शेल कमांड है और एलएस का मतलब है लाइनेक्स शेल। इट शोज द कंटेंट्स ऑफ होम डायरेक्ट्री सच एज फाइल्स, डायरेक्ट्रीज, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप कंटेंट्स ईटीसी। और एलएस कमांड क्या करता है, आपके होम डायरेक्ट्री का कंटेंट्स शो करता है। तो होम डायरेक्ट्री का कंटेंट का मतलब है कि जब आप यूनिक्स या लाइनेक्स में ओपन टर्मिनल से लॉग इन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप होम डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में चले जाते हैं। तो उस होम डायरेक्टरी में जो कंटेंट्स होते हैं, उस होम डायरेक्टरी में फाइल्स होती है, डायरेक्टरीज होते हैं, डाउनलोड वाली फाइल्स होती है, डेस्कटॉप कंटेंट्स होते हैं। तो इस होम डायरेक्टरी के कंटेंट्स को अगर शो कराना है तो इसके लिए एलएस कमांड को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के टाइप करना है एलएस और एंटर प्रेस करनी है। तो आइए इसको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का ये वर्जन है। तो सबसे पहले ओपन टर्मिनल से इसमें लॉग इन करेंगे। तो ओपन टर्मिनल से लॉग इन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। तो ये मैंने राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऑप्शन आया है ओपन टर्मिनल, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये ओपन टर्मिनल से मैंने लॉग इन कर लिया है और बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है वो होम डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये बड़ा हो गया। और ऊपर से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया और ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी जो हम होम डायरेक्टरी में है या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, तो इस होम डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ क्या है। तो पाथ जानने के लिए हम टाइप करेंगे PWD एंटर। तो इस होम डायरेक्टरी का जो पाथ है वो है /home/anil। तो इस /home/anil जो होम डायरेक्टरी का पाथ है, इसमें जो भी फाइल्स पड़ी हुई है, जो भी डायरेक्टरीज है, जो भी डाउनलोड वाली फाइल्स है या डेस्कटॉप कंटेंट्स है, उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ls कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। तो इस पाथ पे या इस होम डायरेक्टरी में ये सारी फाइल्स पड़ी हुई है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था सिंपली ls कमांड का यूज। अब देखते हैं कि ls कमांड का फर्स्ट यूज क्या है। तो ls अलोंग विद -d एस्ट्रिक बैक स्लैश विल डिस्प्ले ओनली द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। अब जो है मेरे होम डायरेक्टरी में कौन कौन सी डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी की लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के टाइप करूँगा ls स्पेस -d, d फॉर डायरेक्टरी, फिर स्पेस एस्ट्रिक बैक स्लैश। तो ये क्या करेगा, मेरे इस होम डायरेक्टरी में जो भी डायरेक्टरी पड़ी हुई है उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ls टाइप करूँगा स्पेस -d फॉर डायरेक्टरी, फिर स्पेस एस्ट्रिक और बैक स्लैश और एंटर। तो मेरे इस होम डायरेक्टरी में डेस्कटॉप DIR मोदी राजेश रवि, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी डायरेक्टरी है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था ls कमांड का फर्स्ट यूज। अब देखते हैं कि ls कमांड का सेकेंड यूज क्या है। तो इट इज़ यूज टू शो द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी। अब जो है मेरे होम डायरेक्टरी में किसी भी डायरेक्टरी का मुझे कंटेंट्स चेक करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले ls कमांड को एग्जीक्यूट करके ये जान लूंगा कि किस डायरेक्टरी का मुझे कंटेंट्स चेक करना है, और इसके बाद फिर वो डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी में है इसलिए उस होम डायरेक्टरी का पाथ भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उस होम डायरेक्टरी का पाथ लेने के लिए हम pwd कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हमारे पास होम डायरेक्टरी का पाथ भी आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद ls कमांड के साथ उसका पाथ देना है, होम डायरेक्टरी का पाथ देना है। जैसे कि मेरे पास पाथ है /home/anil, ये मेरे होम डायरेक्टरी का पाथ है, तो इस होम डायरेक्टरी का पाथ मैंने डाल दिया और जिस भी डायरेक्टरी का कंटेंट्स चेक करना है उस डायरेक्टरी का नाम रखना है \ के साथ। जैसे मुझे मोदी नाम के डायरेक्टरी का कंटेंट्स चेक करना है तो \ के साथ मैं टाइप करूंगा मोदी और फिर एंटर प्रेस करूंगा, तो ये बताएगा कि मोदी नाम के डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स है या फिर क्या कंटेंट्स इसमें पड़ा हुआ है। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी डायरेक्टरी का कंटेंट्स चेक करना है तो इसके लिए ls कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी फाइल्स उठ करके आ गई है। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी है मोदी, इस मोदी नाम के डायरेक्टरी का कंटेंट्स मुझे चेक करना है। तो ये मोदी नाम की जो ये डायरेक्टरी है ये जो है होम डायरेक्टरी में है, तो इस होम डायरेक्टरी का मुझे पाथ भी लेना पड़ेगा। तो pwd से इसका पाथ ले लेते हैं। तो /home/anil में ये मोदी नाम की डायरेक्टरी है, तो अब चेक करते हैं कि मोदी में क्या कंटेंट्स है। तो ls इसके बाद होम डायरेक्टरी का पाथ home/anil और फिर \ के साथ उस डायरेक्टरी का नाम जिस डायरेक्टरी का मुझे कंटेंट्स चेक करना है। तो मुझे मोदी नाम के डायरेक्टरी का कंटेंट्स चेक करना है इसलिए मैंने \ के साथ मोदी टाइप किया है और एंटर। तो इस मोदी नाम के डायरेक्टरी में अंजलि i/1 और राजेश ये दो कंटेंट्स है, ये दोनों की दोनों डायरेक्टरी है। अब मैं राजेश नाम की डायरेक्टरी में चेक करना चाहता हूँ कि राजेश नाम की डायरेक्टरी में क्या कंटेंट्स है, तो मैं क्या करूँगा ls \home फिर अनिल \Modi और फिर \ के साथ राजेश और एंटर। तो इस राजेश नाम की डायरेक्टरी में एक फाइल है ravi.txt। तो ये था किसी भी डायरेक्टरी के कंटेंट्स को हम कैसे चेक करते हैं। तो क्लियर कमांड से इसको क्लियर कर लेते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था ls कमांड का सेकंड यूज। अब देखते हैं कि ls कमांड का थर्ड यूज क्या है। तो इट इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ओनली .txt फाइल्स इन द होम डायरेक्टरी। अब होम डायरेक्टरी में जो फाइल्स है उन फाइल्स की उन फाइल्स का जो एक्सटेंशन है वो है .txt। तो उन .txt वाली फाइल्स को ही मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूनिक्स या लाइनक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मैं टाइप करूँगा ls फिर स्पेस *.txt। तो ये क्या करेगा, आपके होम डायरेक्टरी में जिस भी फाइल्स का एक्सटेंशन .txt है उस फाइल्स को ये शो करेगा। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है ls स्पेस *.txt और एंटर। तो मेरे इस होम डायरेक्टरी में जिसका एक्सटेंशन txt है वो तीन फाइल्स है, emp.txt, out.txt और ravi.txt। तो क्लियर कर लेते हैं इसको। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था ls कमांड का थर्ड यूज। अब देखते हैं कि ls कमांड का फोर्थ यूज क्या है। तो ls कमांड का जो फोर्थ यूज है वो है इट इज यूज टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। अब मुझे
जो है मेरे होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है उन फाइल्स को डिस्प्ले कराना है, लेकिन हिडन फाइल्स के साथ, मतलब उसमें हिडन फाइल्स भी शो होनी चाहिए। तो हिडन फाइल्स जो है वो डॉट डॉट करके शो होती है, तो जहाँ पे डॉट डॉट होगा इसका मतलब है वो हिडन फाइल्स है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मुझे टाइप करना है ls स्पेस हाइफन ए। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो ls हाइफन ए और एंटर। तो इसने क्या किया है, इस होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है उसको इसने डिस्प्ले कराया है और साथ ही साथ हिडन फाइल्स को भी इसने डिस्प्ले कराया है। तो हिडन फाइल्स यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे डॉट और फिर उसके नीचे दो डॉट, ये हिडन फाइल्स है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था ls कमांड का फोर्थ यूज। अब देखते हैं कि ls कमांड का फिफ्थ यूज क्या है। तो ls कमांड का जो फिफ्थ यूज है, इट इज यूज टू डिस्प्ले ऑल लिस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल एंड डायरेक्टरी। तो अब मेरे इस होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल है और डायरेक्टरी है उसकी मैं फुल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मुझे टाइप करना है ls स्पेस हाइफन l। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ls स्पेस हाइफन l और एंटर। तो इसने क्या किया है कि मेरे इस होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है और साथ ही साथ जितनी भी डायरेक्टरीज है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन इसने प्रोवाइड किया है। तो मेरे इस होम डायरेक्टरी में टोटल फाइल और डायरेक्टरी मिला करके 88 फाइल्स है और नीचे इन सारे फाइल्स और डायरेक्टरी की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो इसको क्लियर कमांड से क्लियर कर लेते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था ls कमांड का फिफ्थ यूज। अब देखते हैं कि ls कमांड का सिक्स्थ यूज क्या है। तो इट इज यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स लाइन बाय लाइन। अब मैं चाहता हूं कि मेरे होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है हर एक फाइल्स को मैं लाइन बाय लाइन डिस्प्ले कराना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके ls स्पेस हाइफन वन टाइप करना है। तो इससे क्या होगा कि होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है, इंक्लूडिंग डायरेक्टरी फाइल्स, डाउनलोड फाइल्स, जितनी भी फाइल्स है हर एक फाइल को अलग अलग लाइन पे शो करेगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप करूँगा ls स्पेस हाइफन वन और एंटर। तो जितनी भी फाइल्स है मेरे इस होम डायरेक्टरी में हर फाइल्स को इसने हर एक लाइन में डिस्प्ले कराया है, यानी कि एक फाइल एक लाइन में है, फिर दूसरी फाइल दूसरी लाइन में है, तीसरी फाइल तीसरे लाइन में है। तो AFIEDT.buf ये फर्स्ट लाइन में है, अनिल ये दूसरी लाइन में है, अनिल1 ये तीसरी लाइन में है। तो इस तरीके से हम वन बाय वन लाइन में भी हम अपने होम डायरेक्टरी के फाइल्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था ls कमांड का सिक्स्थ यूज। अब देखते हैं कि ls कमांड का सेवेंथ और लास्ट यूज क्या है। तो ls कमांड का जो सेवेंथ या लास्ट यूज है वो है, इट इज यूज टू डिस्प्ले रूट फाइल्स। तो यूनिक्स में जो है रूट पे फाइल्स होती है, फिर उस फाइल्स के नीचे फिर फाइल्स होती है, मतलब रूट पे डायरेक्टरी फाइल्स होती है, फिर उस डायरेक्टरी फाइल्स के नीचे फिर डायरेक्टरी फाइल्स होती है, फिर उस डायरेक्टरी फाइल्स के नीचे फिर फाइल्स या डायरेक्टरी फाइल्स होती है। तो हमें चेक करना है कि यूनिक्स के रूट पे कौन कौन सी फाइल्स है। तो वो चेक करने के लिए
हमें क्या करना है, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है ls स्पेस और बैक स्लैश। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो ls स्पेस बैक स्लैश और एंटर। तो मेरे इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रूट पे जो फाइल्स है वो ये सारी फाइल्स है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से। ये मैंने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ls कमांड के 7 यूज कौन-कौन से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।